की वीडियो हम कुछ बेहतरीन मूवी के थ्रू उनकी फैंटेसी दुनिया को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि भाई उनकी मैजिकल दुनिया की बात ही कुछ और होती है। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए 10 बेहतरीन मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर मूवीज, जिसमें कुछ बोनस मूवीज भी होंगी जो हमेशा की तरह सिर्फ टॉप क्वालिटी की होंगी। और हाँ, इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, उनमें भी सिर्फ बेस्ट ही होंगी। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डाउनलोड लिंक के लिए आइए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे। नंबर 7 की मूवी क्या हो जब आप स्वर्ग और धरती के बीच की दुनिया में चले जाओ। एक ऐसी बीच की दुनिया जो ना ही स्वर्ग हो ना ही धरती। 2009 की फैंटेसी ड्रामा के साथ द लवली बोन्स। स्टोरी भाई एक 14 साल की लड़की पे फोकस्ड है। ट्विस्ट की बात तो ये है कि उसका मर्डर हो जाता है और वो एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जो ना ही स्वर्ग है ना ही धरती। क्या सच में वो मर चुकी है या फिर गायब हो चुकी है, वो तो आप मूवी में देखो भाई। ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ हमें सरप्राइज कर सकते थे, पर मूवी वो बीच की दुनिया को कुछ खास एक्सप्लोर नहीं करती। मूवी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, बस आप ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ हाई एक्सपेक्टेशन लगाकर मत देखना, बाकी वन टाइम मस्ट वॉच रहेगी। नंबर 6 की मूवी के ट्रेलर देखने के बाद भाई इसकी कॉन्सेप्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी। 2008 की एक्शन फैंटेसी एडवेंचर के साथ द स्पाइडर विक नॉरिकल्स। स्टोरी एक ऐसी फैमिली की है जो अपने बच्चों के साथ अपने पुराने घर रहने आती है। उसके बाद भाई उन्हें कुछ अदृश्य क्रिएचर दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें एक बुक की तलाश है। आखिर उस बुक में ऐसा क्या है और क्यों पाना चाहते हैं? कुछ अदृश्य क्रिएचर आपके घर पे हमला करने वाले हैं, उसे रोकना है कैसे वो आप मूवी में देखो। बस ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत लगा लेना, बच्चों के लिए मूवी वन टाइम मस्ट वॉच रहेगी। उनके अजीबोगरीब क्रिएचर आपको पसंद आएंगे। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, एक ट्राई देकर देखो। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी, अगर आप भाई एक फील गुड वाला एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस मूवी को जरूर देखना। एक बड़ा सा दाना और एक छोटी सी बच्ची के बीच की इमोशंस आपके दिल को हिट करेगी। 2016 की डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से फैंटेसी ड्रामा के साथ द BFG। एक बड़ा सा दानव एक छोटी सी लड़की को उठाकर दैत्यों की दुनिया में ले जाता है। आगे उस लड़की के साथ क्या होता है भाई आप मूवी में देखो, इसके सिनेमेटोग्राफी आपका दिल जीत लेगी। हिंदी डबिंग के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 5 की मूवी देवताओं के बीच की वो मैजिकल फाइट सीन देखने में मजा बहुत आता है। नंबर 5 की ये चाइनीज मूवी आपको एक्सपीरियंस कराएगी। 2016 की फैंटेसी एक्शन के साथ लेगियो ऑफ गॉड्स। स्टोरी कुछ देवताओं पे बेस्ड है। ब्लैक ड्रैगन वापस लौटने वाला है, जिसे रोकना है कैसे वो आप मूवी में देखो। भाई चाइनीज मूवी की हमेशा से एक खासियत रही है, इनके गजब के कैमरा मूवमेंट के साथ इनकी वो सिनेमेटोग्राफी कमाल की होती है। वहीं दूसरी ओर इनकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है, पूरी फोकस एक्शन सीन पे डाल देते हैं, जिसके वजह से स्टोरी और कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते। पर कोई नहीं, इसके वो मैजिकल पावर के साथ इसके एक्शन सीन आपको 100% सेटिस्फाई करेगी। CGI ग्राफिक्स एकदम हाई लेवल का तो नहीं, पर लो लेवल का भी नहीं। मूवी वन टाइम आपके लिए मस्ट वॉच रहेगी। हिंदी डबिंग के साथ फ्री में MX प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 4 की मूवी भाई आपको हाईएस्ट लेवल की वार सीक्वेंस, वो विजुअली सीन आपको हाईएस्ट लेवल की सिनेमेटिक एक्सपीरियंस कराएगी। 2016 की मोस्ट एक्सपेंसिव चाइनीज मूवी में से एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी के साथ द ग्रेट वॉर। दूसरी दुनिया से आए मॉन्स्टर द ग्रेट ऑफ वॉल चाइना पे हमला करने वाले हैं। भाई जिस तरह से हम बता रहे हैं, मूवी की लेवल कई लेवल ऊपर है। यकीन मानो आपको हाई लेवल पे हाईएस्ट बजट सिनेमेटोग्राफी के साथ एपिक वार एक्शन देखने को मिलेंगी। वो मॉन्स्टर के साथ एक एक फाइट सीन भाई आपको गूज बॉम्ब देगी। ऊपर से मैट डेमन की परफॉर्मेंस यार पूछो मत। पता नहीं भाई ऐसी मास्टरपीस मूवी की इतनी कम IMDb रेटिंग जस्टिस नहीं करती। अब बिना IMDb रेटिंग देखे इस मूवी को देखना स्टार्ट करो, मूवी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी भाई मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर मूवी में से। हर एक सीन आपको सिनेमेटिक एक्सपीरियंस कराएगी, एक एक एक्शन सीन टॉप लेवल का, जिससे आप नजरें ना हटा पाएंगे। हम बात करें 2014 से टोटल 3 मूवी का कलेक्शन एक्शन फैंटेसी के साथ द मंकी किंग। आप एक बार इस मूवी को देखना तो स्टार्ट करो, आप इसके सारे पार्ट एक बार में ही देख डालोगे। एक परफेक्ट फैंटेसी एडवेंचर मूवी कह सकते हो। इसके सारे पार्ट हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, जरूर देखिए। नंबर 3 की मूवी, अगर आपको एंजल डीमन मॉन्स्टर नर्क स्वर्ग जैसी कुछ देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए। 2005 की फैंटेसी हॉरर के साथ कॉन्स्टेंटीन।
स्टोरी भाई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे हीरो जिन के पास कुछ अजीबोगरीब टाइप पावर है जिन्हें दूसरी दुनिया के शैतान दिखाई देते हैं, उन्हें वापस उनकी दुनिया भेजना है। वहीं दूसरी ओर हमारे लीड एक्ट्रेस की बहन मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड कर लेती है, जिसके पीछे छिपी है भाई कुछ मिस्ट्री, जिनके थ्रू शैतान का बेटा हमारी इस दुनिया में आना चाहता है। क्यों और हमारे हीरो इस शैतान को रोक पाएंगे या नहीं, वो तो भाई आप मूवी में देखो। कुछ अलग ही लेवल की चीजें देखने को मिलेंगी। वो क्लाइमेक्स में हेल लॉर्ड लूसीफर की एंट्री यार गजब की। मूवी 2005 की है तो थोड़ी इसकी क्लियरिटी से कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, बाकी इसके कॉन्सेप्ट और इसके सिनेमेटोग्राफी के लिए आप सीधा देख डालो। मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी उस टाइम की वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी एडवेंचर हॉरिफाइंग मूवी में से एक था, जिसका खौफ भाई लोगों के दिलों में था। हम बात करें 1999 की एक्शन फैंटेसी एडवेंचर के साथ द मम्मी। स्टोरी में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे भाई, बस इतना जान लीजिए। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट एशियन सिटी में खुदाई करते वक्त गलती से एक मम्मी जाग जाती है, जो सदियों से सोई हुई थी पुनर्जन्म के लिए। आखिर क्यों मम्मी जिंदा होना चाहती थी, वो तो भाई आप मूवी में देखो। उसके बाद भाई जो इस मम्मी का कहर बरसता है ना, वो देखकर आपको अंदर से खौफ भर देगी। ये मत देखिए कि मूवी 24 साल पुरानी है। इसके स्टोरी टेलिंग, वो मम्मी वाला कॉन्सेप्ट, उनकी आर्मी एकदम खतरनाक टाइप देखने को मिलेंगी। जरूर देखिए, खौफनाक एडवेंचरस सफर पर ले जाएंगी। इसमें अब तक टोटल 4 पार्ट रिलीज हो चुकी है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की मूवी मरमिट जलपरी की कॉन्सेप्ट पे कम ही मूवी बनी है, जिसे हाल ही में रिलीज किया गया 2023 की रोमांस फैंटेसी म्यूजिकल ड्रामा के साथ द लिटिल मरमिट। स्टोरी एक मरमिट की है जो 3 दिनों के लिए धरती पे आती है अपनी सारी शक्तियों को खोकर। अगर 3 दिनों में वो राजकुमार से सच्चे प्यार वाला किस नहीं किया तो वो हमेशा के लिए इंसान ही बनी रह जाएगी। आगे की स्टोरी आप मूवी में देखो। मूवी डिज्नी की तरफ से है तो भाई बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते। पानी की वो सिनेमेटोग्राफी आपको टॉप लेवल की देखने को मिलेगी। जरूर देखिए, मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 की मूवी वंडर वुमन के बाद डीसी की डूबती हुई नैया को इस मूवी ने बचाया था, जिसके सेकेंड पार्ट दिसंबर 2023 में आने वाली है। 2018 की डीसी की तरफ से एक्शन फैंटेसी एडवेंचर के साथ एक्वामैन। ऐसी मूवी की स्टोरी के बारे में क्या बताएं भाई, आप सभी ने देख ही रखा होगा। आधे इंसान और आधे अटलांटियन, जिनका मकसद है समुद्र में रहने वाले जीवों का रक्षा करना, जिन्हें एक त्रिशूल को ढूंढना है। इस जर्नी में भाई आपको टॉप लेवल की सिनेमेटोग्राफी के साथ एक्शन सीन देखने को मिलेंगी। खासकर वो पानी के अंदर सीजीआई ग्राफिक्स के बारे में पूछो मत। ऊपर से जेसन मोमोआ एज एक्वामैन, इनकी एक्टिंग आपको जरूर पसंद आएंगी। टॉप लेवल के ग्राफिक्स के साथ वो सिनेमेटोग्राफी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस मूवी को डेफिनेटली देखो, आपको हाईएस्ट लेवल पे एक्सपीरियंस कराएगी। तो भाई और भी ऐसे ही क्वालिटी के लिए एक सब्सक्राइब आपके तरफ से। आप लोग हर एक वीडियो देखते हो यार, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। और आइए इस लिस्ट की डाउनलोड लिंक के लिए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।